13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। मोर नहीं, औरत के यहां आते ही वो खुद ही मोहर लेकर मेरे पास आएंगे। वो दो दुर्गा कबीले को, कोरकुत मामू की औताक को, हम सबको बर्बाद कर देगी। रोकना होगा उसे हमें। लगता है पागल हो गई हैं आप। ऐसा क्या हो गया कि तुम रुक नहीं सकते? ना मुझे, ना वालिदा को, किसी को कुछ नहीं बताते तुम। वक्त आने पर बता दूंगा। क्या? आपकी बहादुरी और शुजात इससे कहीं ज्यादा की मुस्तहिक है दुआन साहब। आप पर फखर होना चाहिए हम सबको। अल्लाह आपको ऐसी कई फतुहात नसीब करे। इसका हल सुंगुर तकीन के पास है। वो मोहर जो वो अपने साथ लाया है, सादतीन कोपैक उसे हर सूरत हासिल करना चाहता है। بسم الله الرحمن الرحيم हिम्मत कीजिए भाई, हिम्मत कीजिए। वालिदा, इलाज में थोड़ी तकलीफ तो होती ही है, परेशान ना हो आप, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बस काम हो गया, हो गया। तीनों को एक साथ देखने के लिए दुआएं की हैं मैंने और तुम्हारे पापा ने। वो दिन आ गया आज
अब मुझे जुदाई की अजियत ना सहनी पड़े। कैसे घुमा लेता है तुर्कुत से। सब खैरियत तो है ना? क्या तुम हमारी मदद करोगे दुआन? अल्लाह ने कर्म किया हाय मखातून। अल्लाह का शुक्र है हाय मखातून। शुक्रिया, अल्लाह आपसे राजी हो। आपके हाथों से लोग इसी तरह शिफायाब होते रहे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सुंगुर तकीन भाई की हालत अब बहुत बेहतर है। इत्मीनान रखिए, जख्म बहुत जल्द भर जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है 2-3 दिन में मजीद बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अर्तुक भाई, बहुत शुक्रिया। अर्तुक भाई। जी कहिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर मुमकिन हो तो मुझे अब्दुल रहमान की तबीयत के बारे में बता दें। जी आइए। बैठ जाइए आप। बूढ़ी औरत को कत्ल करके उससे वो हार ले लिया और अब धमकियां दे रही है मुझे दोनों। तो ये गुंडोगदो भाई को क्यों नहीं बताती आप? उस हार को तलाश किए बगैर मैं अपनी सच्चाई साबित नहीं कर सकती दुआन। वो यही समझेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि गुंडोगदो उस औरत से शादी करे। कैसे यकीन दिलाऊं कि उन्हें मैं गुमश्तकीन के खेमे में भी गई थी। हर जगह तलाश किया मगर हार नहीं मिला। उस हार की मदद से मैं साबित कर सकती हूं कि कत्ल उन दोनों ही ने किया है। आयतोलन के खेमे में जाकर मेरा हार तलाश करना जरूरी है। मुझे पूरा यकीन है कि हार वहीं छुपा के रखा गया है। ठीक है, मैंने मान लिया। हाँ। लेकिन आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? बानो जेजेक से बात करो तुम। क्या बानो जेजेक की मेरे औताक में जाने का रास्ता निकाल सकती है? जब तक जिंदगी है उम्मीद भी है, हमें हर वक्त इसके लिए दुआ करनी चाहिए। चाहे समंदर खून से लाल हो जाए, नोयान को इस जुल्म का हिसाब देना होगा। अर्तुक भाई, जब तक आप सलामत हैं, मुझे यकीन है कि हर जुल्म का हिसाब लेकर रहेंगे आप। सुंगुर तकीन,
अक्सा कल्ली को जानते हैं आर्तुक भाई। ओहदे के लश्कर में मौजूद ओज सिपाहियों को हमारी मदद से वहां से निकालना चाहते हैं। सुंगुर तकीन ये कैसे कर पाएंगे भाई? ओज खान की मोहर के जरिए। मोहर उनके पास है? जी हाँ, ओहदे के लश्कर में मौजूद हमारे भाइयों को उनकी शनाख्त याद दिलाना चाहते हैं। अगर कामयाब हो गए ऐसा करने में तो ओहदे का लश्कर अनातोलिया में दाखिल होने से पहले ही बहुत कमजोर पड़ जाएगा। रियासत को बगैर खून बहाए बचाया जा सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी। मैं सुबह सोगत रवाना हो रहा हूं। सुंगुर तकीन की रहनुमाई अब आपको करनी है। हर नया रास्ता एक नई जिंदगी का आगाज है भाई। यह हकीकत है कि बाजंतीन के करीब होना आपकी और आपके कबीले की तकदीर बदल देगा। मैं भी यही सोच रहा था। बहुत सी जगहों पर गया हूं मैं आर्तुक भाई, लेकिन खुद को इतना पुरजोश महसूस नहीं किया कभी। अल्लाह हमेशा आपको सही रास्ता दिखाए भाई। बहुत शुक्रिया। मेरा भाई आपके पास अमानत है। बेफिक्र रहें आप। मुझे बुलाया था आपने अफरासियाब। क्या हमारा कारवान रवाना हो गया? सूरज डूबने से पहले आखिरी कारवान रवाना होगा। उसको सुबह रवाना करना। हमें यहां से किसी को लेके जाना है अपने साथ। तुम बाहर मेरे इंतजार करो। तुम्हें एक सिपाही बनाया, हर तरह से ख्याल रखा तुम्हारा, लेकिन तुमने क्या किया हमजा? मुझे धोखा दिया। मैं कल सबके सामने तुम्हारा सर कलम करूंगा। आप जो भी करें आपको पूरा हक है भाई, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दें। मरने से पहले एक मौका दे दें मुझे। मरने से पहले हर गुनाहगार इसी तरह गिड़गिड़ाता है हमजा। भाई मेरी बात सुन ले, अल्लाह का वास्ता देता हूं मैं आपको। चुप करो बदबख्त, चुप। हाइमा खानम अपने बेटों के साथ बैठकर खाना तनावुल करना चाहती हैं। जी हाँ, अपने बेटों के साथ, बहुओं के साथ, दामाद के साथ। मोहर हासिल करने का इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिल सकता। वो मोहर समझे आ ही गई, आप हर किस फिक्र मत कीजिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम कितनी काबिल हो गुंजकुल। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर।
ये अंगूठी अब तुम्हारी है। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। ये अंगूठी तुम्हारे जैसे खूबसूरत और जवान हाथों पर खूब सजेगी मेरी बच्ची। ये तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। वालिदा, सुंगुर तकीन भाई जल्द ही यहां हमारे साथ मौजूद होंगे। उनकी पसंद का खाना बना हुआ है, हो सकता है इसकी खुशबू ने यहां खींच लाए। आखिर पे माजरत खाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुंडोग तू सुलजान खाने पे क्यों नहीं आई? अपना वादा मत भूलना तुम। आज थोड़ा वक्त हो उसे। संगूर, क्या मैं आ सकता हूं? का गोश्त और बर्गर पुलाव कैसे छोड़ सकता था मैं? सुंगुर, तुम्हारा ये चमचा जिस दिन से तुम यहां से गए हो वैसे ही रखा हुआ है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम सब कभी ना उम्मीद हो भी जाते थे, लेकिन वालिदा कभी ना उम्मीद नहीं हुई। मेरी वालिदा, मेरी प्यारी वालिदा, सुंगुर तकीन भाई, मैं सबके बारे में जानना चाहता हूं, लेकिन सुलजान खातून नजर नहीं आई। सुलजान ठीक है, लेकिन आज रात के खाने में शरीक नहीं हो सके। मैं तुम्हें अपनी होने वाली बीवी से मिलाना चाहता हूं, गुंजा गुल खातून, मेरा भाई सुंगुर तकीन। Thank you.
चलो शाबाश। क्या हाल है आपका बानो चीची खातून? मैं ठीक हूं दुआन साहब। मुझे डर था कि करानफिल को सर्दी ना लग जाए। सही कहा आपने, वैसे भी रात में सर्दी बढ़ जाती है। बहुत नखरीली घोड़ी है। क्या हुआ? कोरकुस साहब और आयतोलन खातून ने जब मुझे ये घोड़ी दी थी तो उन्होंने भी आपकी तरह इसे नखरीली कहा था। बहुत मोहब्बत करती हैं उनसे? जी हाँ, वो बाप की जगह है मेरे। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे और मेरी बहन को कभी अकेला नहीं छोड़ा। कोरकुत साहब के लिए और इस कबीले के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं ना? यहाँ आप क्यों आए हैं दुआन? सलजान खातून ने भेजा है ना आपको यहाँ? कोई भी शख्स मुझे सरदार और उसकी बीवी को धोखा देने पर मजबूर नहीं कर सकता। अगर मैंने ये बात दोबारा सुनी तो मैं सब कुछ सरदार को बता दूंगी। समझ गए? समझ गए ना मेरी बात? कहते हैं कि अगर कबीले में कभी कोई मुश्किल आ जाए तो उस मसले का हल निकालना हर चीज से ज्यादा आम होता है, और ये भी कोरकुट साहब की तरफ तुम्हारा फर्ज है। दुआन साहब, अब अगर आपने एक लफ्ज भी और कहा हलीमा सुल्तान ने आपको सलाम भेजा है और वो चाहती है कि सलजान खातून का हार आप तलाश करें। उनके दावे के मुताबिक अगर वहां हार मिल जाता है तो अपना फर्ज अदा करें। यह पैगाम था उनका। आगे जैसे आपकी मर्जी। मुझे इजाजत दीजिए। सुना था मंगोल कैदी नहीं रखते, तो फिर उन्होंने आपको क्यों कैद किया सुंगुर तकिन भाई? असल में घोड़ों का माहिर हूं मैं। मैंने कई साल चंगेज खान के घोड़ों की देखभाल की है। तो इतना अरसा सिर्फ यही किया आपने? यह कोई छोटा काम नहीं था। उनके घोड़ों को अगर खराश भी आ जाती तो वो जान ले लेते मेरी। शुक्र है कि मुश्किल वक्त खत्म हुआ और आप वापस लौट आए भाई। बहुत शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपने घर में अपने प्यारों के साथ बैठकर वालिदा के हाथ का खाना खा रहा हूं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए मुझे? बाबा भी होते, सबको देख के कितना खुश होते।
सब अल्लाह की मर्जी है वालिदा, तकदीर का खेल है। السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہی حال ہے بھائی، سب جاننے کے باوجود بھی یہ نویان کی جہنم میں واپس گیا، اس نے خود کو قربان کر دیا بھائی. صبر کرو، عبدالرحمن جلد صحتیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم میں سے کوئی بھی اتنے جلدی ہار نہیں مان سکتا ہے. ارطغرل بیٹا، तुराली अब से मेरी जिम्मेदारी है. अल्लाह ने चाहा तो मैं इसे अब्दुल रहमान जैसा एक बहादुर जंगजू बनाऊंगा. तुराली पहले ही साबित कर चुका है कि एक बहादुर जंगजू बनेगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं. मुझे इजाजत दो बेटा, आ जाओ. सिपाहियों तैयार रहो, सुबह सवेरे ही निकलेंगे हम लोग. कहां भाई? उस सरजमीन पर जो हमारी मंजिल मकसूद है. सलजान खातून, मुझे आपसे कुछ कहना है अगर इजाजत हो आपकी. खैरियत तो है, इस वक्त कौन सी बात करना है? हमें दरअसल उन कालीनों में कुछ नकाइस मिले हैं जो हमने आपसे लिए हैं. क्या मतलब है आपका? एक एक कालीन को मैंने खुद देखा है. ठीक है, फिर मैं आयतोलन खातून को बता देता हूँ. आपको जहमत दी मैंने. ठहरो ताजर, मैं वहीं आती हूँ, आप वो कालीन निकाल के रखिए. मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका. हम कारवान के पास हैं. गुंदोगदू साहब, आप मुझे परेशान लग रहे थे कुछ, ये देखकर मुझे फिक्र हुई और मैं बाबा से इजाजत लेकर आपसे मिलने के लिए यहाँ आ गई. बताइए मुझे, किस बात की परेशानी है आपके दिल में? बहुत सख्त सर्दी है, आपको नहीं लग रही क्या? जब आप मेरे साथ होते हैं हर मौसम मेरे लिए बाहर का होता है. मेरी परेशानी मेरा कबीला और मेरे सिपाही हैं गुंजे गुल खातून. और मेरे लिए
मेरे लिए परेशानी की बात यह है कि जब तक मैं जिंदा हूं किसी किस्म की परेशानी आपके पास ना आए। कुछ देर चहलकदमी कर लेते हैं। ताजिर अफरासियाब, ताजिर अफरासियाब, ताजिर अफरासियाब, कहाँ हैं आप? आप सलजान खातून के खैमे की तरफ देख रहे थे मुसलसल। वो परेशानी जो आप मुझे बता नहीं सकते उसकी वजह सलजान खातून है क्या? मेरी तकलीफ उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन मैंने इस कबीले में कदम रखा था। आप मेरे लिए नाकाबले हासिल ख्वाब की तरह थे गुंदोक्त साहब। आप सुलेमान शाह के बेटे हैं, उनकी पसंद से आपने पहली शादी की। आपका शादीशुदा होना मेरे लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त कड़वे सच की मानन था। और जब बाबा से आपने मेरा हाथ मांगा मैंने किसी चीज की परवाह नहीं की, ना ही ये सोचा कि आप पहले से शादीशुदा हैं और ना ही कुछ और। अब मुझे तकलीफ होती है जनाब, जब से मैंने आपको उनके खैमे के बाहर देखा है माफ कीजिएगा मुझे, हद पार कर दी मैंने। दरअसल जो मोहब्बत करता है वो हसद भी रखता है, माफ कीजिएगा मुझे। गुंजे गुल खातून, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सलजान आखिरी सांस तक मेरी बीवी रहेगी और मैं उसका शौहर। ये वादा किया था हम दोनों ने एक दूसरे से। मैं जानती हूं आप ठीक कह रहे हैं, बस अहमक लड़की के ख्वाब है शायद।
तो माफ कर दीजिएगा। شب بخير बरसों से ये ख्वाब देखता आया हूं मैं, अपने घर में, अपने कबीले में, अपने खानदान के साथ बैठना। अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। आराम करो अब तुम बेटा, बहुत सारी बातें करनी है अभी हम दोनों को। शुक्र है कि तुम वापस आ गए। वालिदा, मैं सुबह रुखसत चाहूंगा। रुखसत चाहते हो? कहां जाओगे तुम? अभी तो तुम आए हो बेटा, और तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं। जाना होगा मुझे। समझ गई मैं, अब तुम भी अर्तुरुल की तरह हमसे अपनी सारी बातें छुपाओगे। राज को राज रहने दे वालिदा। हर पोशीदा राज एक नया दर्द होता है, और मेरे राज आपके जख्मों का मरहम नहीं बन सकते, बल्कि मेरे राज आपके जख्मों को और ताजा कर देंगे। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, मुझे मजबूर ना कीजिएगा, मेरे राज दफन रहने दें, मेरे ही अंदर रहने दें। आप यकीन करें, मैंने कभी भी ओज अजदाद और बाबा को शर्मिंदा नहीं किया। बस आप दुआ करें कि अल्लाह सुरखरू रखे मुझे हमेशा। चलो अब तुम आराम कर लो कुछ देर। मुझे दुआ दीजिए वालिदा, इंशाअल्लाह जल्द खुशखबरी लाऊंगा। सुंगुर तकिन, और तुम जहां भी जाओगे अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम्हारे साथ है मेरी दुआएं, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बने। आप जान लेंगे हमारा रास्ता आतिश और इश्क का रास्ता है। हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं जो उसके रास्ते पर कामयाबी के ख्वाह हैं। इसके अलावा हम पर सवार हैं। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हामी और नासिर हो।
काम हो गया? हाँ हो गया बाबा। खाने के दौरान जब मैं और गोक्चे औताक में गए थे, वहां मिली मुझे। ये देखो, खूबसूरत है बहुत। ये देखो, अफ्रासियाब तबरीज से लेकर आया है। ये तो बहुत हसीन है। बहुत शुक्रिया। और भी है, तुम यही रुको, मैं लाती हूँ। बस अभी आई मैं। ठीक है, अब सरदारे आला बनने का वक्त आ गया है। पीछे हटना अब नामुमकिन है। अल्लाह आपको कामयाब करे भाई। लेकिन ये मोहर इतनी कीमती क्यों है? ओवोस खान की मोहर है या दुल्हन? ये क्या कह रहे हैं बाबा? इसकी तलाश में कितने ही बड़े बड़े शाह और बादशाह सरकर्दा हैं। सादुद्दीन को पैक को दे देंगे ये। हाँ बेटी, हर शय की कीमत अदा करनी पड़ती है और मैं वो अदा कर चुका। अब बारी है सादुद्दीन को बैंक की। मैं आज रात ही तुम्हें इस खेमे से निकाल दूंगा। तुम सीधे अफ्रासियाब के पास जाओगे और अब्दुर्रहमान का अधूरा काम पूरा करोगे। तुम्हारे पापा और तुम्हारी घटिया हरकतों को नजरअंदाज किया हमेशा, मगर मैं ना तुम्हारी माँ हूँ और ना बहन। अब अगर एक भी गलती की तो अंजाम सोच लेना।